यहाँ पे उतनी डिस्टर्बेंस नहीं है जितनी कॉमन रूम में है। वो तो ठीक है मुक्ता, लेकिन मेरा यहाँ लंच करना ठीक होगा? क्यों नहीं, कम ऑन विष्णु, बैठ जाइए। पता है आज हम आपके लिए आलू के पराठे लेकर आए। सच में? आपका फेवरेट है। और बताइए आज का दिन कैसा रहा? उन्होंने काम तो समझा दिया मुझे, लेकिन अब ये नहीं बताया कि फाइनल रिपोर्ट किसे करना है। ऑफिस में उनकी बॉस तुम। अब उन्होंने बताया कि कोई नया प्रोजेक्ट, फाइनल रिपोर्ट किसे मेल करनी है, कौन मेरे काम को देखेगा, ये नहीं बताया। अब युवान सर तो सीईओ, वो कहाँ मेरा काम देखेंगे। छोड़िए ये सब बातें, खाना खाते। ओके सर। एक्सक्यूज मी मैम, मैम यहाँ पर सिर्फ सीनियर स्टाफ मेंबर्स बैठ सकते हैं, जूनियर स्टाफ के लिए सेपरेट रूम है। क्यों? आई मीन हम बस खाना ही खा रहे हैं। हाँ ठीक है, पर कुछ रूल्स भी होते हैं। पर हम यहाँ किसी को गेस्ट की तरह भी नहीं बुला सकते। आई मीन हमारा अगर कल को गेस्ट आए उनके साथ हम इधर बैठ के खाना नहीं खा सकते। जी बुला सकते हैं, लेकिन मिस्टर कश्यप गेस्ट नहीं, यहाँ के एम्प्लॉई है। पर आप मुक्ता, he's right. मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। आप खाना खा के जा सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? सर मैं मुक्ता मैम से कह रहा था, जूनियर स्टाफ को अलाउड नहीं है। Yes, I know that. But हो सकता है मुक्ता अपने जूनियर को जॉब एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए बुलाया। और वैसे भी मिस्टर कश्यप और मुक्ता की टीम है, मुक्ता को ही उनके काम को सुपरवाइज कर। अरे क्या हुआ, तुम दोनों के चेहरे क्यों उतरे हो? मुक्ता, तुमने विष्णु को बताया नहीं दैट यू आर हिज बॉस? नहीं सर, वो मुक्ता ने बताया था, मुझे इन्फॉर्म किया था। इनफैक्ट मेरे लिए तो अच्छा है, घर में भी वही मेरी बॉस है और यहां पे भी। I like it. All the best, Mr. Kashyap. आप लोग खाना खाइए, बैठिए। बात को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। इससे क्या लोगों को लगने लगेगा कि मैं एक ऐसा हस्बैंड हूं जो अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपका बॉस होता तो क्या आप मुझसे कहती कि विष्णु रिजाइन कर दो? विष्णु, हम तो खुशी खुशी आपको इन्फॉर्म करते, हमें उससे खुशी मिलती। देखा, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। पति पत्नी, आदमी औरत, हम लोग इन्हें बराबर का समझते ही नहीं। अभी भी हम लोग एक सदी पीछे जी रहे हैं, है ना? मैं तो यही चाहूंगा कि हम दोनों इस सिचुएशन में भी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से काम करें, दोनों मिलकर एक साथ आगे बढ़े, तरक्की करें। अब वैसे भी टाइम का क्या पता, कल को मैं आपका बॉस बन जाऊं। मुझे अपने आप को प्रूव तो करने दीजिए। अच्छा सुनिए,
अब मुझे अपने काम पर लौटना है। सी यू इन द इवनिंग। अब चेहरे पर कोई उदासी, कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? Hello, Mukta Kashyap here from Yuvan Enterprises. How can I help you? This is Raghuvendra Pratap Rathaur. Can I speak to my princess, please? Papa? मुझे पूछना है कि मेरी प्रिंसेस कैसी है, खुश है कि नहीं? हाँ पापा, हम बहुत खुश हैं। खुश तो होना ही चाहिए। मुझे पता चला कि आपके पति ने भी आप ही का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। I'm very happy. अब आप दोनों को एक दूसरे के साथ बिताने के लिए भरपूर वक्त मिल जाएगा। Me too, papa. Normally मेरी प्रिंसेस 1000 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर बात करती है। आज सिर्फ me too, papa. क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। Actually काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। इतना काम करा रहे मेरी प्रिंसेस से, फिर तो आपको एक ब्रेक चाहिए। तो मैं ये प्रपोज करना चाहता हूँ कि इस बार का वीकेंड आप मेरे साथ बिताएंगे। Yes, पापा। चलिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं प्लान करता हूँ। ओके? अच्छा सुनिए, अपना ख्याल रखिए। ओके पापा। I love you. Love you too, पापा। Bye. Bye. अंकल आप आइए ना, बैठिए ना। मुझे बहुत जरूरी काम है आपसे। हाँ कहिए। आपको दोनों में से एक हाथ चुनना है। ये पक्का? यही वाला? पक्का, बिल्कुल पक्का। अब बनना है। मैं थक चुकी हूँ और मुझे ब्रेक चाहिए और मैं पिकनिक पर जाना चाहती हूँ। अच्छा, रियली? ओके, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब लेकिन मैंने नहीं कहा। आप ही ने तो कहा, आप ही ने चुना, फिर आप ही ने कहा, अब तो ऐसा ही होगा। घर की सारी बेटियाँ और उनके सारे पति। मतलब मुक्ता भी आएगी? मुक्ता भी आएगी, आप भी और अंबिका भी। मुझे लगा जब पूरा परिवार जा ही रहा है तो सबको साथ में जाना चाहिए। आप ही ने तो कहा मुझसे, आप दोनों यहाँ बहनों की तरह रहती हैं। थैंक्स। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। मैं चाहता था कि पूरा परिवार साथ में हो तो। थैंक यू। पिकनिक? भाई हमें ये बात समझ आती है कि आपको अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, लेकिन हम दामाद ने क्या गलती की? कोई गलती नहीं है मिस्टर आकाश चटर्जी, आप भी चलेंगे और आपके छोटे भाई भी आ रहे हैं, उन्होंने अभी अभी हाँ की, और मिस्टर विष्णु कश्यप भी आएंगे। आफ्टर ऑल हमारे घर की लड़कियों ने आपका इतना ख्याल रखा है, अब आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि आप उनका ख्याल रखें। आफ्टर ऑल इन लोगों के लिए खाना बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस के सारे काम खत्म कर लेता हूँ और कल सीधे पिकनिक स्पॉट पे मिलता हूँ। डन। कहाँ जा रही हो तुम? मीटिंग के लिए नहीं रुक रही हो क्या तुम? कौन सी मीटिंग सर? मुक्ता कल बताया तो था हमारे न्यू कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए सभी सीनियर एम्प्लॉयज की मीटिंग। डिड यू गेट मेल? नो सर, आई डिडंट गेट एनी मेल। आई एम सॉरी, शायद मैं भूल गया। बट मुक्ता, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई नीड यू देयर। आई थिंक
विद इन 30 मिनट्स में तुम फ्री हो जाओगे। मिस्टर कश्यप, आई होप आप वेट करेंगे। वो क्या है ना, जूनियर लेवल वर्कर्स ऑफिस बंद होने के टाइम पर जा सकते, बट सीनियर्स को 24/7 अवेलेबल रहना होता है।